Hello students, today we'll cover the topic electronic mail, SMTP, POP and IMAP. Starting with the electronic mail, the term electronic mail was generally used for any electronic document transmission. Yeah, we can say that it is method of exchanging messages between people using the electronic device. It is the most popular internet service nowadays. करेक्ट, आप सभी यूज करते हैं ईमेल, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी कि उसके कौन कौन से आर्किटेक्चर्स होते हैं, यूजर एजेंट्स क्या होते हैं, मैसेज ट्रांसफर क्या होते हैं. मैसेज ट्रांसफर में जो टाइप होता है वो कहलाता है एसएमटीपी. मैसेज एक्सेस एजेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर्स. बेसिकली ईमेल में दो सबसिस्टम होते हैं जिसे हम कहते हैं यूजर एजेंट्स और मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है. यूजर एजेंट क्या होते हैं, विच अलाउज पीपल टू रीड एंड सेंड दी ईमेल, दैट इज नोन एज यूजर एजेंट्स. मैसेज ट्रांसफर एजेंट्स क्या होते हैं, विच मूव्स मैसेजेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज नोन एज मैसेज ट्रांसफर एजेंट. और ये बेसिकली जो ईमेल की हम बात कर रहे हैं, पांच बेसिक फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, दैट इज द कंपोजिशन, ट्रांसफरिंग, रिपोर्टिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिस्पोजिशन. Now, what do you mean by composition? Composition हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम मैसेज को कभी भी ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैसेजेस एंड द आंसर्स, ठीक है. लिखा रहता है ऊपर कंपोज मेल में, ठीक है. कंपोज करिए मतलब क्रिएट करिए मैसेज को, दैट इज, दैट मीन्स द कंपोजिशन. सेकेंड इज द रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मीन्स इट हैज टू डू विद टेलिंग द ओरिजिनेटर व्हाट हैपेंड टू द मैसेज, मतलब डिलीवर्ड हुआ, रिजेक्ट हुआ, लॉस्ट हुआ, क्या हुआ, है ना. आपको मैसेज आता है कि मैसेज इज बीन डिलीवर्ड और या फिर डिलीवरी फेल, दैट मींस द रिपोर्टिंग. थर्ड इज द ट्रांसफर. ट्रांसफर मतलब मूविंग मैसेजेस फ्रॉम ओरिजिनेटर टू द रेसिपिएंट, मतलब सोर्स डेस्टिनेशन डिलीवरी इज नोन एज द ट्रांसफर. डिस्प्लेइंग मतलब इनकमिंग मैसेज जो भी है आपके इनबॉक्स पे जो मैसेजेस होते हैं उसको डिस्प्ले करना टू रीड देयर ईमेल इज द डिस्प्लेइंग ऑफ मैसेज. लास्ट इज द डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन मीन्स इट कंसर्न्स विद व्हाट द रेसिपिएंट डूज विद द मैसेज आफ्टर रिसीविंग इट, मतलब वो उसको रिसीव करने के बाद रीड करता है, सेव करता है, आगे फॉरवर्ड करता है, क्या करता है, दैट इज द डिस्पोजिशन. तो ये इसके पांच फंक्शंस हैं किसके, ईमेल के. नाउ फर्स्ट सिनेरियो इन द इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं. फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, जो सेंडर है, सेंडर में जिनका नाम है वो है एलिस और रिसीवर कौन है, बॉब, ठीक है. तो सेंडर और रिसीवर दोनों ईमेल के ईमेल करने के लिए दोनों यूजर्स हैं और दोनों सेम सिस्टम पे हैं, मतलब दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर ऑन अ शेयर्ड सिस्टम, ठीक है. इस केस में क्या होगा कि अगर हम मानते हैं कि व्हेन एलिस नीड्स टू सेंड अ मैसेज टू द Bob. So Alice runs a user agent program to prepare the message and store it in the किसमें store करेगा, Bob के mailbox में. The message has the sender. इस message के में क्या रहेगा, sender रहेगा और recipient का mail address रहेगा. Then Bob can retrieve, मतलब वो यहां से retrieve and read the content of his mailbox at his convenience using the Again, it's user agent. Clear है? तो first scenario में अगर same system पे एक sender और receiver message share करना चाहते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी, दो user agents की जरूरत होगी. Clear? देखिए हमने यहाँ पे देखा, देखा first scenario में कि when the sender and the receiver of an email are on the सेम सिस्टम, तब हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, देन वी नीड ओनली टू यूजर एजेंट्स, मतलब एक सेंडर के पास यूजर एजेंट होना चाहिए और एक रिसीवर के पास यूजर एजेंट होना चाहिए. नाउ सेकेंड सिनेरियो. इन सेकेंड सिनेरियो इसमें क्या बता रहा है कि हम सेंडर एंड द रिसीवर आर ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, सेंडर अलग सिस्टम पे है और रिसीवर दूसरे सिस्टम पे है, तो मैसेज नीड टू बी सेंड ओवर द इंटरनेट, तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी,
इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग सिस्टम पे है हमारे सेंडर और रिसीवर, तो उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, दो यूजर एजेंट, सेंडर का एक यूजर एजेंट होना चाहिए, रिसीवर का एक यूजर एजेंट होना चाहिए और एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए। मैसेज ट्रांसफर एजेंट का एक क्लाइंट होगा, इसके दो पार्ट होते हैं मैसेज ट्रांसफर एजेंट के, और एक सर्वर होगा। क्लियर है कि आपका सेकेंड सिनेरियो है। देखो इसमें हमने क्या देखा कि एलिस को जब मैसेज सेंड करना होगा तो वो अपने यूजर एजेंट को यूज करके मैसेज सेंड करेगी। अब ये सिस्टम के मेल सर्वर में रहेगा यूजिंग एमटीए क्लाइंट, ठीक है। अब इंटरनेट के थ्रू इसको हम सेंड करेंगे और वो कहाँ जाके स्टोर होगा, एमटीए सर्वर में। फिर जब बॉब को ये मैसेज देखना होगा तो वो यहाँ अपने यूजर एजेंट के थ्रू इस मैसेज को एक्सेस कर सकता है। दिस इज द सेकेंड सिनेरियो। ये देखिए सेकेंड सिनेरियो था कि व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर आर ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, तब हमें क्या लगेगा, देन वी नीड टू पेयर्स ऑफ यूजर एजेंट एंड अ सिंगल पेयर ऑफ एमटीए मैसेज ट्रांसफर एजेंट का एक सिंगल पेयर लगेगा, जिसको हम क्लाइंट एंड सर्वर दो पार्ट में बोलते हैं। ये थर्ड सिनेरियो है। इन दैट थर्ड सिनेरियो व्हाट हैपन, एलिस, एलिस कौन है, सेंडर है। एलिस इज कनेक्टेड टू द सिस्टम वाया अ लैन और वैन कनेक्शन। या हम कह सकते हैं कि डायल अप मॉडेम के थ्रू कनेक्ट किया गया हो या डीएसएल के थ्रू कनेक्ट किया गया हो, ठीक है, और उसको मेल भेजना है, राइट। तो क्या होगा, शी इज कनेक्टेड टू द लैन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस व्हाट, वन मेल सर्वर फॉर हैंडलिंग ऑल द ईमेल्स, देन यूजर नीड्स टू सेंड देयर मैसेज टू दिस मेल सर्वर। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो है, ठीक है। इस थर्ड सिनेरियो में हमें क्या लगेगा, दो यूजर एजेंट लगेंगे, एक सेंडर का यूजर एजेंट और एक रिसीवर का यूजर एजेंट। फिर जब ये सेंडर किससे कनेक्टेड है, लैंड और मैन के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसका एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट लगेगा, इसका एक क्लाइंट एंड सर्वर एक पेयर होगा। अब ये सेंडर साइड से कहां जाएगा, वाया इंटरनेट, दो अलग अलग सिस्टम पे है सेंडर और रिसीवर, अलग अलग प्रोसेस पे हैं। तो ये एक एमटीए का क्लाइंट और एक सर्वर, मतलब इसके दो पेयर्स लगेंगे। तो इन थर्ड सिनेरियो हम क्या कह सकते हैं कि हमें एक दो यूजर एजेंट लगे और दो पेयर ऑफ एमटीए क्लाइंट एंड सर्वर लगेंगे। देखिए हमने कहा व्हेन द सेंडर इज कनेक्टेड टू द मेल सर्वर वाया लैन और मैन, तब हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा, वी नीड टू यूजर एजेंट एंड टू पेयर ऑफ एमटीए क्लाइंट और सर्वर के, दो सेट हमें रिक्वायर्ड होंगे। नाउ दिस इज द फोर्थ एंड द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, है ना, जिसमें हम देख रहे हैं बॉब भी क्या है, इट इज आल्सो कनेक्टेड टू द हिज मेल सर्वर वाया लैन और मैन, ठीक है। मतलब आफ्टर द मैसेज हैज अराइव्ड एट बॉब मेल सर्वर, बॉब नीड्स टू रिट्रीव इट, देन वी नीड द अनदर सेट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर एजेंट, जिसको हम बोलते हैं मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमें दो पेयर ऑफ यूजर एजेंट लगेंगे सेंडर और रिसीवर के लिए, आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। नाउ जब एलिस सेंड करेगा लैन के थ्रू, तो इसका एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट लगेगा, क्लाइंट एंड सर्वर एक पेयर। अब ये इंटरनेट के थ्रू मैसेज ट्रांसफर करने के लिए एमटीए क्लाइंट एंड सर्वर लगेगा। अब यहाँ पे ये स्टोर्ड है, तो जब बॉब भी लैन और मैन के थ्रू ही कनेक्टेड है, तो बॉब को क्या लगेगा, मैसेज एक्सेस एजेंट, मैसेज एक्सेस एजेंट का पेयर, दैट इज मैसेज एक्सेस एजेंट सर्वर एंड मैसेज एक्सेस एजेंट क्लाइंट, ठीक है। देखिए अभी हमने दो चीज बताई, मैसेज ट्रांसफर एजेंट और मैसेज एक्सेस एजेंट। तो जो मैसेज ट्रांसफर एजेंट का क्लाइंट होता है, इट पुशेस द मैसेज टू द सर्वर। व्हाइल अगर हम ये बात करते हैं कि मैसेज एक्सेस एजेंट, तो इट्स पुल्स द मैसेज फ्रॉम द सर्वर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एमटीए एंड द एमएमए। तो ये हमारा फोर्थ मोस्ट कॉमन सिनेरियो था कि जब सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर कनेक्टेड टू द मेल सर्वर वाया लैन एंड मैन,
देन व्हाट विल बी रिक्वायर, वी रिक्वायर टू यूजर एजेंट्स, टू पेयर ऑफ MTA मतलब मैसेज ट्रांसफर एजेंट्स एंड अ पेयर ऑफ मैसेज एक्सेस एजेंट. दिस इज द फोर्थ एंड द मोस्ट कॉमन सिनेरियो यूजिंग नाउअडेज. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल कि मोस्ट जो कमांड ड्राइवन यूजर एजेंट है वो कौन कौन से हैं. मेल है, पाइन है, ELM है, राइट. एंड GUI बेस्ड एजेंट कौन कौन से हैं, जोरा है, आउटलुक है, नेटस्केप. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेट. फॉर्मेट सभी को पता है, फिर भी हम एक इस पे आउटलुक देखते हैं कि एक पोस्टल मेल जो रहता है और इलेक्ट्रॉनिक मेल का क्या फॉर्मेट रहता है. जैसे पोस्टल मेल आप लोग ने पहले क्या कहना चाहिए, पोस्ट किए होंगे, लेटर्स पोस्ट किए होंगे, उसमें हम यहाँ पे सेंडर रिसीवर का एड्रेस और ये सेंडर का एड्रेस रहता था, फिर सब्जेक्ट रहता था बॉडी में, फिर ये मैसेज रहता था और ये सेंडर का नाम रहता था. सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करते हैं तो ऊपर हमें क्या दिखता है, मेल फ्रॉम, मेल कहाँ से आया है, और रिसिपिएंट टू मतलब किसको मेल गया हुआ है, टू एंड फ्रॉम, ये हमको सिर्फ एनवेलप में दिखता है. हेडर में क्या दिखता है कि किसने मैसेज भेजा है, किसको भेजा है, डेट किस दिन भेजा गया है एंड द सब्जेक्ट ऑफ मैसेज, राइट. और बॉडी में क्या रहेगा, आपका पूरा मैसेज और नीचे सेंडर का नाम. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल. नेक्स्ट इज द ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस कैसे लिखते हैं, लोकल पार्ट मतलब जो भी आपको नाम लिखना है, एट अ रेट डोमेन नेम जैसे कि आप अपना बनाते हैं, जैसे आपने बनाया abc@gmail.com, तो एबीसी इज द लोकल पार्ट, एट द रेट डोमेन नेम इज द gmail.com. नेक्स्ट इज द MIME. MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हैज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, राइट. इट कैन सेंड मैसेजेस ओनली इन NVT 7-bit ASCII फॉर्मेट. उसका एक लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉनिक मेल का कि सिर्फ NVT 7-bit ASCII फॉर्मेट में ही मेल सेंड हो सकता है, राइट. सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर लैंग्वेजेस दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय 7-bit ASCII करेक्टर, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, हेब्रू, रशियन, चाइनीज, जैपनीज, राइट. एंड इट कैन नॉट बी यूज टू सेंड बाइनरी फाइल्स और ऑडियो और वीडियो. तो ये जो इसकी प्रॉब्लम थी, हम कह सकते हैं जो लिमिटेशन था, इसको ओवरकम करने के लिए MIME इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम होता है मल्टीपर्पस, मतलब हर एक पर्पस के लिए, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, बाइनरी फाइल्स हो, या फिर 7-bit ASCII फॉर्मेट को जो सपोर्ट ना करे वो लैंग्वेजेस भी हो, राइट. इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऐसे मेल्स के एक्सटेंशन. इट इज अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल दैट अलाउज नॉन ASCII डेटा टू बी सेंड थ्रू ईमेल. मतलब हमने देखा कि ईमेल जो है वो सिर्फ NVT 7-bit ASCII फॉर्मेट को फॉलो करता है, तो हम MIME सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल को यूज करते हुए नॉन ASCII डेटा को भी, बाइनरी फाइल्स को भी, वीडियोस को भी, ऑडियोस को भी सेंड कर सकते हैं. क्लियर. ये देखिए इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है MIME का, कि यूजर है इसका, एक यूजर एजेंट है, नॉन ASCII कोड को पहले कन्वर्ट करेगा 7-bit NVT ASCII कोड में. कौन कन्वर्ट करेगा, MIME, और मैसेज ट्रांसफर एजेंट को भेजेगा. अब ये मैसेज ट्रांसफर एजेंट सेंडर से कहां जाएगा, रिसीवर के पास. इसका मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, MIME को कोड सेंड करेगा. कौन सा कोड है, 7-bit NVT ASCII कोड, क्योंकि हमको पता है कि ईमेल किसको सपोर्ट करता है, 7-bit NVT ASCII कोड को. अब फिर ये MIME क्या करेगा, उसको नॉन ASCII फॉर्म में, नॉन ASCII कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिसीवर को दे देगा. दिस इज द वर्किंग ऑफ MIME. MIME का एक जनरल रिव्यू है कि उसके ईमेल, इसके ईमेल में कैसा फॉर्मेट होता है. तो इसका एक ईमेल हेडर होता है, उसकी एक बॉडी होती है, और हेडर में क्या क्या चीजें होती है. तो हेडर कंसिस्ट ऑफ वर्जन, इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट टाइप, कंटेंट का ट्रांसफर एनकोडिंग किस टाइप का था, कंटेंट का आईडी एंड कंटेंट का डिस्क्रिप्शन. आपको सिर्फ ये हेडर फॉर्मेट याद करना है, बाकी कंटेंट टाइप क्या होता है, एनकोडिंग क्या होती है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके कुछ
एग्जाम्पल, ये आपको पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, पर मैंने एग्जाम्पल बता दिए कि जो आपने वहां पे देखा था कि डेटा टाइप्स, तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप होता है, मल्टीपार्ट होते हैं, मैसेज के फॉर्म में होते हैं, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, एप्लीकेशन, ये सारे टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग कौन कौन सी होती है, 7-bit की होती है जो कि एनवीटी अस्काई और शॉर्टलाइन के लिए होती है। फिर 8-bit की एनकोडिंग होती है जो कि नॉन अस्काई एंड शॉर्टलाइन के लिए होती है। बाइनरी होती है, तो ये सारी कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग के टाइप्स हैं। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज द मैसेज ट्रांसफर एजेंट। मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? The actual mail transfer is done through, we all know, message transfer agent, हमने देखा है ना? To send a mail, a system must have client MTA and to receive a mail, system must have server MTA. अभी हमने चार जो सिनारियो देखे उसमें हमने देखा कि यूजर एजेंट के साथ हमको MTA की जरूरत होती है। तो जब सेंड करना होता है तो वी रिक्वायर अ क्लाइंट MTA और रिसीव करना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर्वर MTA की। तो द फॉर्मल प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस द MTA क्लाइंट एंड सर्वर इन द इंटरनेट इज नोन एज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अभी हमने देखा कि टू पेयर्स ऑफ MTA क्लाइंट एंड सर्वर आर यूज्ड इन द फोर्थ सिनेरियो, राइट? तो SMTP इज यूज्ड टू टाइम्स बिटवीन द सेंडर एंड द सेंडर्स मेल सर्वर एंड बिटवीन द टू ईमेल सर्वर। कैसे यूज होता है SMTP, ये अभी आगे वाले डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए SMTP, मैंने कहा दो बार यूज होता है, जब सेंडर मेल सर्वर पे जो कि LAN या WAN के थ्रू कनेक्टेड है वहां भेजता है, तो हमने क्या कहा था, MTA हमको क्लाइंट एंड सर्वर की जरूरत पड़ती है, दैट इज द SMTP, राइट? और जब SMTP हमको यहाँ पे जरूरत पड़ी, करेक्ट? अब इस मेल सर्वर से, सेंडर से हमने सेंड किया डेटा को इंटरनेट के थ्रू, रिसीवर के पास जाता है, तो यहाँ भी हमें SMTP की जरूरत पड़ती है। तो SMTP सिर्फ हमें सेंडर से मेल सर्वर और सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर मेल सर्वर को सेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैसेज ट्रांसफर जो एजेंट होते हैं वो कमांड्स भी करते हैं, मतलब अगर क्लाइंट किसको कमांड करेगा, सर्वर को, एंड सर्वर रिस्पॉन्सेस टू द क्लाइंट, दैट इज द कमांड एंड रिस्पॉन्सेस। के जो कमांड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, उनके क्या कीवर्ड्स होते हैं? हेलो भेजा तो इट विल सेंड द सेंडर्स होस्ट नेम, डेटा भेजा तो बॉडी ऑफ ईमेल सेंड करेगा, ठीक है? तो ये सारे इसके कमांड्स हैं, ये आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये इसके कुछ कुछ रिस्पॉन्सेस हैं कि रिस्पॉन्सेस के कोड्स क्या होते हैं। तो जैसे 220 अगर उसने कोड भेजा, दैट मींस योर सर्विसेज रेडी। अगर उसने कोड भेजा 450, मतलब मेल बॉक्स नॉट अवेलेबल। दिस इज ऑल्सो फॉर द इंफॉर्मेशन, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी कुछ रिस्पॉन्सेस हैं। नाउ मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है? अभी हमने पढ़ा मैसेज ट्रांसफर एजेंट। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ मेल डिलीवरी यूजेस SMTP, अभी मैंने बताया आपको, ठीक? SMTP इज नॉट इन्वॉल्व इन द थर्ड स्टेज। क्यों? क्योंकि SMTP इज ओनली अ पुश प्रोटोकॉल, इट पुशेस द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, राइट? ऑन द अदर हैंड द थर्ड स्टेज नीड्स अ पुल प्रोटोकॉल, मतलब रिसीवर को पुल करना है मैसेज को, तो द क्लाइंट मस्ट पुल मैसेज फ्रॉम द सर्वर, राइट? फॉर दिस वी रिक्वायर टू मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल जो रिक्वायर होता है वी कॉल्ड इट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं POP ऑफ वर्जन 3 अभी चल रहा है, जिसका POP3 इसलिए नाम दिया गया है। एंड सेकेंड इज IMAP, मतलब इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसका वर्जन 4 अभी है, इसलिए हम इसको IMAP4 कहते हैं, ठीक? दिस इज द मैसेज एक्सेस एजेंट। डायग्राम के थ्रू देखिए, अभी हमने देखा था कि SMTP जो है वो क्या है, पुश प्रोटोकॉल है। तो सेंडर किसको पुश करेगा, मेल सर्वर में मैसेज को पुश करेगा, और मेल सर्वर सेंडर से मेल सर्वर रिसीवर तक जाएगा, तो SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर पुशिंग दी मैसेजेस। व्हाई? जब इसको पुल करना होता है, मतलब रिसीवर को यहाँ से रिसीव करना है, पुल करना है, खींचना है मैसेज को, तो कौन सा यूज होता है, POP
एंड आई एम ए पी पीओपी ऑफ वर्जन 3 दैट्स वाई पीओपी 3 एंड आई एम ए पी 4। इसके जो एक्सचेंज है वो कुछ इस तरीके से होते हैं पॉप के क्लाइंट और सर्वर में। ये भी जस्ट एग्जांपल है कि क्लाइंट अगर यूजर नेम पूछता है मतलब पुल करना चाहता है तो इसको रिस्पॉन्स ओके के फॉर्म में करेगा। वो पासवर्ड फिर पुल करना चाहता है तो मैसेज ओके भेजेगा, कुछ भी भेज सकता है। लिस्ट मांगता है तो ईमेल नंबर एंड देयर साइजेस का लिस्ट भेजेगा। रिट्रीव करता है ईमेल तो इवेंट वाल रिट्रीव हुआ, एंड ईमेल रिट्रीव करना चाहता है तो एन टाइम्स ईमेल को या एन नंबर ऑफ ईमेल्स को रिट्रीव कर सकता है। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ कमांड एंड रिस्पॉन्स इन द पीओपी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।